आखिर यूनिक फूड आज हम बनाएंगे दिवाली पर बची हुई खीलों से झटपट से बनने वाली नमकीन, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। और खास बात यह है कि झटपट से 5 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। खील की नमकीन बनाने के लिए गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद ऑयल को गर्म कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मूंगफली यानी कि पीनट्स। ये डालने के बाद कंटिन्यू चलाते हुए धीमी गैस पर 1 मिनट के लिए इन्हें रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर रोस्ट पीनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 मिनट हो गई और जो मूंगफली है वो हमारी भुन गई है, इनका कलर है वो भी चेंज हो गया। अब मैंने यहाँ पर लिए 5 से 6 करी पत्ते। ये डालने के बाद इनको भी हल्का चटका लेंगे। जिस तरीके से करी पत्ते हैं उनको भी हमने चटका लिया। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 चम्मच काला नमक, साथ ही में 1/2 टेबल स्पून सादा नमक। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गर्म मसाला। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आखिर में 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। यहाँ पर जो मसाले हैं वो आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें भुने हुए जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इन मसालों को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैगी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके बच्चे या फिर आप खाते हैं। तो इस तरीके से मसाले डालने के बाद 1 मिनट के लिए धीमी गैस पर हम इनको रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो मसाले हैं उनको हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट्स जिसकी हम नमकीन बना रहे हैं यानी कि खील। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम खील ली है जिन्हें मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम ये डालने के बाद धीमी गैस पर 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें रोस्ट करेंगे। इतने में जो हमारी खील है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी और साथ ही में जो मसाले हैं वो इन पर कोट हो जाएंगे। ये नमकीन खाने में काफ़ी ज़बरदस्त और टेस्टी लगती है। आपने नमकीन कई तरह की ट्राई की होंगी लेकिन एक बार आप खील की नमकीन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर भी अगर खील बच जाती है तो इस तरीके से बना के और इसे लंबे समय तक आप स्टोर करके इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरीके से सभी मसाले हैं वो हमने खील पे कोट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं नमकीन है वो हमारी बनके तैयार हो गया। अब हम झटपट से इसको सर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से झटपट से हमारी खील की नमकीन है वो बनके तैयार हो गई है। काफ़ी ज़बरदस्त और टेस्टी लगती है और बहुत कम मसालों में ये बनके तैयार हो जाती है। आपने देखा हमने इसमें ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं किया। सो गाइस आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं अपने चैनल पर ऐसी न्यू रेसिपी बनाती रहती हूँ तो उन सभी के लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन स्क्रीन में दे दिए हैं तो आप देख सकते हैं आ रही होंगी। आप इनको भी जाकर एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।